हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आया हूँ थोड़ा बैक साइड नाले में। तो नाले से ले जानी है मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ की हरियाली, तो ये देखिए यहाँ की हरियाली बहुत ही प्यारा सा व्यू लग रहा है। और साथ में आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का एरिया। ये देखिए मेरे पीछे जो आप ये गांव देख रही है, बहुत दूर ये है गांव जनवास। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। और यहाँ का रास्ता आप देख सकते हो, ये देखिए रास्ता बहुत ही तंग रास्ता है। और अगर नीचे की बात की जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सामने पार रोड दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ से गिर जाते हैं तो ये देखिए बीचों बीच में बहुत गहरी खाई है नीचे, और बचने के चांस बिल्कुल कम। और साथ में छोटे छोटे पेड़ इतने प्यारे लग रहे हैं कि पूछो मत, यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करता है। और नाले में इतना घना जंगल है कि कभी भी कोई जीप मिल सकता है। और दोस्तों अब तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा क्योंकि घास वगैरह हम यहाँ से लाते हैं। अब यहाँ से है दो रास्ते, ये देखिए एक रास्ता नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो मैं जाता हूँ अभी फिलहाल ये निचली साइड। आज मैंने ले जानी है एक लकड़ी, और लकड़ी ले जाने के लिए ये लाया हूँ मैं द्राट। इससे काट के ले जाऊँगा मैं लकड़ी। और लकड़ी फिलहाल इसलिए ले जानी है क्योंकि हमारे बैल ने, जिस पे हम बैल को बांधते हैं, तो उसे तोड़ दिया है। तो बैल को बांधने के लिए मैंने एक मजबूत सी लकड़ी का टुकड़ा ले जाना है। और जिस लकड़ी के टुकड़े को मैं ले जाऊंगा, ये है वो पेड़ जिससे मैं लकड़ी का टुकड़ा काटूंगा। और हमारी भाषा में इन पेड़ों को कहते हैं किल्लर। ये नाले में मिलते हैं और बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यही पेड़ मिलेंगे आपको। तो अभी मैं देखूंगा साफ सा लकड़ी का टुकड़ा, क्योंकि टेढ़े मेढ़े तो बहुत दिखाई दे रहे हैं पर साफ सा नहीं दिख रहा है। तो थोड़े आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ घने जंगल में। ये देखिए जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी जंगल ही जंगल दिखाई देगा, और वो भी बहुत ही घना और डरावना जंगल। और साथ में ये पक्षियों की चहचहाट बहुत ही प्यारी लगती है। और अभी मुझे मिला नहीं है बढ़िया सा एक लकड़ी का टुकड़ा। चारों तरफ देख रहा हूँ पर टेढ़े मेढ़े ही दिख रहे हैं। तो अभी मुझे थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आप भी सुन रहे होंगे ये पक्षियों की चहचहाट बहुत ही प्यारी आवाज़ में कुछ कह रही है, पर क्या कह रही है पता नहीं। और एक तरफा ध्यान भी नहीं रख पाऊँगा, गिरने का डर है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको दिखाया ये द्राट, अभी इस पे मिट्टी लग चुकी है, पानी वगैरह भी लग चुका है। तो इससे मैंने काटना है ये वो लकड़ी का टुकड़ा
जहाँ पर भी मिलता है साफ सा लकड़ी का टुकड़ा, तब तक मैं आपको दिखाता रहूँगा यहाँ का प्यारा सा व्यू। और घास की बात की जाए तो इस साल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से घास लगा हुआ है। लकड़ी का टुकड़ा ढूंढते ढूंढते मैं बहुत दूर पहुंच चुका हूं, पर मिल नहीं रहा है मुझे वो लकड़ी का टुकड़ा। अपने अधवारी से मैं लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पहुंच चुका हूं। और ये लकड़ी का टुकड़ा बढ़िया है, ये देखिए साफ है, और इसे काटूंगा मैं अभी। ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, 5 या 6 फुट का पीस चाहिए है। थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो अभी मैंने ये लकड़ी का टुकड़ा काट दिया है और अब मैं जा रहा हूँ वापस अपनी हरिद्वारी की तरफ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय झारखंड।